तो भाई ये हो रही है पैरा मोटरिंग, जो ये एंट्री है ना यहाँ पे, ये एंट्री से ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे हो रही है। दो तीन चक्कर कटा रहा है, वहाँ तक तो नहीं जा रहा पूरा, यहीं पे कटा के कर रहा है काम, बाकी का पता करते हैं क्या हिसाब है यहाँ पे। तो भैया पैरा मोटरिंग का पता कर लिया, 2500 रुपये है, 3 से 4 किलोमीटर बोलते हैं, चक्कर कटाते हैं, देखो ऊपर कट रहे हैं चक्कर। नहीं ये तो पैराग्लाइडिंग है, ये यार पैराग्लाइडिंग हो रही है, ये पैरा मोटरिंग नहीं है। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे वो देखो टेक ऑफ ले रहा है, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है और रन में नहीं जा सकते वाइट डेजर्ट में। दूसरा 2500 में 3 से 4 चक्कर कटा रहे हैं, 3 से 4 किलोमीटर बोल रहे हैं बट 3 से 4 चक्कर कटा रहे हैं, यहाँ संडास है उसके ऊपर से। और चौथा ये है कि रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, कह रहे आप नीचे से रिकॉर्ड कर लो। मैं कहा भाई ऊपर से नहीं करेंगे, कह रहे वो बॉर्डर वॉर्डर का कुछ चक्कर है, BSF का सिक्योरिटी का इशू है। मैंने कहा जब वो कर ही नहीं सकते तो फ़ायदा ही नहीं है फिर, तो 2500 रुपये दे के क्या फ़ायदा अगर आप रिकॉर्ड ही ना कर पाओ ऊपर से होगी। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे गेट पे आ गए, यहाँ से पकड़ते हैं वो ऊंट गाड़ी और उसमें चलते हैं वाइट रन। ये देखो बस शेर, तेंदुआ आगे से तेंदुआ पीछे से ऊंट, ये ऊंट भी रच गया भाई, ऊंट बावड़ा हो गया, अरे ऊंट भी दग गया। ये रहा भाई साहब, ये गया ऊंट, ओ भाई साहब स्पीड पकड़ लेता है यार, ये तेंदुआ ऊंट है, ये स्पॉट्स देखो आप, ये देख लो भाई अंदर से कैसा है। अरे भैया स्पीड नहीं आ रही, क्या बात है, देखा कंपटीशन, सबको चाहिए कंपटीशन, कंपटीशन के बाद वैसे कोई काम नहीं करता, पैर में क्या कड़े से बांध रखे हैं घुंगरू से। ये देखो क्या सही लग रहा है ना, बादल देखो यार, ओए होए 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 भाई, तो अलग ही दुनिया है, ये अलग ही लेवल का मामला चल रहा है। ये देखो यार आप बादल कैसे एकदम थोड़े थोड़े बादल, तो भाइयों हम आगे वाइट रन और आपको दिखाता हूँ, ये तो है वॉच टावर, ठीक है यहाँ से ऊपर जाके व्यू दिखता है, सामने देखो आप रन वाइट रन डेजर्ट, और उधर देखो सनसेट क्या प्यारा होगा यार, और भीड़ देखो आप, इसमें जितना मर्जी आगे चले जाओ आपके ऊपर है। तो भाई साहब रील बन गई आंटी की, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। यहाँ पे ये कीचड़ कीचड़ है,
ओहो कीचड़ है भाई यहाँ, तो कहीं और से जाना पड़ेगा, इधर मामला थोड़ा रिस्की है। मेरे ख्याल से पहले उधर से जाना चाहिए था, या उधर आगे से जाते हैं। ये देख लो भाई, दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ वाइट डेजर्ट। और ये देखो सूर्य, सूर्य अस्त होता हुआ, देख के आगे देख के। देखो यहाँ सूखा भी नहीं है ठीक से, ये यहाँ चल रहा प्रोग्राम। और ये देखो दूर दूर तक। जल्दी हो गया सूर्य अस्त, मतलब छः सवा छः हो रहे होंगे, और एकदम से नीचे आ रहा है। यूँ ही थोड़ा रुक जाए, एक आधा मैं टाइम लैप्स बना लूँ ना, भाग रहा है बस। देखो यार आसमान, देखा कभी ऐसे? कैसा लग रहा है? आगे पानी देख के, वरना बहुत गंदा लगेगा। और ये देखो जो मेन चीज है वो तो दिखाई नहीं मैंने ठीक से। धसा, ओ कीचड़ है यहाँ, कीचड़ है यहाँ, कीचड़ है। वापस चलो, वापस चलो, यहाँ कीचड़ है। मेरे तो भाई पैरों में चिपक गया, पैर भारी हो गए मेरे। ये देख लो भाई आगे कीचड़ है, वहाँ नहीं जा रहे, पैर फिसल गया है। यूट्यूबर की पत्नी होने के फायदे, ये देखो भाई फ्री के इफेक्ट, वही मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं चलना है, कुछ नहीं करना, मतलब कहते ना विदाउट एनी मेहनत फुल वो चाहिए, नेपो किड, नेपो किड नहीं नेपो वाइफ, ये नेपो वाइफ है, ये खुद कुछ बस की नहीं है, सारा मैं ही करके देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली तो देखिए आप कहाँ पे हूँ मैं, कैसा है सब कुछ। और चांद भी आ गया, देखो पलट जा, देखो भाई चांद भी आ गया। और सबसे अच्छी बात है यहाँ के आसमान इतना साफ है ना यार भाई, आज साफ आसमान दिख जाता ना मज़ा सा। ये कलर देखो आप, एकदम कौन सा कलर है ये, वो थैनोस वाला, ये कलर बड़ा सही लगता है। बादल देखो कैसे सही से लग रहे हैं ना, पेंटिंग सी लग रही है। दोस्तों क्या मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरा चश्मा तो चमक रहा होगा। ऊपर का नज़ारा देखो आप, लग रहा हूँ ना भगवान, मैं समय वाइट वाइट सैंड तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये आसमान दिख रहा है, इसी को देखो यार आप देख रहे हो। अंधेरा हो गया है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं सामने इस तरह से यार, लाइट वलूटे दिख रहे हैं दूर। ये वॉच टावर, ये देखो किसी का प्री वेडिंग शूट चल रहा है, जा रहे हैं यहाँ से। अब देखो खाली हो गया लगभग ना, लोग अब वापस आ रहे हैं अंधेरा होने के बाद। अच्छा था, मज़ा आया। ये देख लो भाई इंडियन मार्केट, रात को यहीं पे हमने खाया था।
खाने पीने का ही है यहाँ पे ना मेन, खाने पीने का और कुछ कुछ वो अपना जो लोकल बेच रहे हैं बस वो है। तो हम तो इतने थक गए भाई वाइट रन में जाके, ये अपना गेट हो गया रन उत्सव।